चलो तो आज अपन एक न्यूज की अच्छा लुक करते हैं। अपन ने इसमें 2x2 की ग्रिड ड्रॉ कर ली है दोनों में अपने रेफरेंस में अपनी शीट में, ठीक है। तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले आउटलाइन बनाने की फेस से। तो देख सकते हो थोड़ा रेफरेंस में फेस में जो आउटलाइन है पहले इसे रख दो साइड में। जो अपने रेफरेंस में आउटलाइन है वो जो ब्लर है उसे दोबारा बना दें। तो ये देखो ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ जा रही है, ठीक है। तो एक जो चेहरे की आउटलाइन है ये क्लियर होनी चाहिए अपन को। यहाँ धीरे धीरे इसे ड्रॉ कर लो, इसे रेफरेंस में ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ से अब अपन को और कुछ ब्लर है क्या अपने स्केच में? नहीं, अपन को सिर्फ जॉ लाइन ब्लर थी। तो अपन देखते हैं जॉ लाइन जो है वो कहाँ से आ रही है। वो आ रही है इस लाइन पॉइंट से, ठीक है, इधर से 8 नंबर से आ रही है, ठीक है। फिर कहाँ आई? ये है फिर आई 1.9 के कितने लेफ्ट लेफ्ट में ही अपने, या ये 1.5, तो 1.5। फिर इसके कितना है? इसका है 0.89, सॉरी 0.9 आई। फिर यहां से देखो इसी लाइन के कितना नीचे है ये, इस लाइन के 1.5 सेंटीमीटर नीचे। ये जो पॉइंट है 1.11 इसके कितने राइट है? वो है 0.4 सेंटीमीटर राइट। फिर इस पॉइंट से जस्ट निकल रही है, कौन सा है, 11.2 से निकल रही है और यहाँ आके एंड। तो अपन ने ये निकाला। अब अपन शेप देखते हैं अपना जो टर्न आ, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, ये जो दो ब्लॉक्स है इसमें कर्व है। तो आओ धीरे से लाते हुए यहाँ स्ट्रेट आई, ठीक है, धीरे से यहाँ कर्व हुआ, यहाँ कर्व धीरे से कर्व हुआ, ऐसे ऐसे कर्व गया, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं करना, कर्व आएगा अपना। धीरे से ये कर्व हुआ और ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ करके ज्वाइन हो गया। अपन सेम चीज राइट साइड करेंगे। तो एक बार देख लो राइट साइड में कहाँ तक आ रही है, या अपन देखेंगे ऊपर तक आ रही है यहाँ से, ठीक है। रेफरेंस में अपनी जॉ लाइन यहाँ थी, कौन सी नंबर लाइन है? 7 नंबर लाइन, यहाँ से आ रही है, ठीक है। 7 नंबर लाइन के बाद नीचे 8 नंबर लाइन पे कितना राइट है? 0.5 सेंटीमीटर राइट, ठीक है। फिर लाइन नंबर 9 पे अपन ने देखा तो याद है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपन ने 0.3 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया। फिर आते हैं इस लाइन पॉइंट, ये जो 9.9 है इसके कितना नीचे है, तो याद है 1.5, 9.9 के नीचे याद है 1.5। देख सकते हो इसमें भी अपन ने इधर पे कर्व किया था, दोनों साइड सेम आना चाहिए 9.9 के नीचे, ठीक है। फिर इस पॉइंट के कितना लेफ्ट है, तो 0.3 सेंटीमीटर लेफ्ट निकलता है ये, ठीक है। फिर इस लाइन के कितना, जब कौन थी 11, हाँ 11 से 1.7, तो ये है 1.7 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो यहां से ऐसे निकलेगा, थोड़ा सा ये इस पॉइंट के नीचे है, फिर थोड़ा सा ये इस पॉइंट के नीचे है, और फिर ये यहाँ आके कौन से पॉइंट पे, ये लाइन कौन सी है, सिक्स लाइन को नियरली ये ज्वाइन कर दिया, तो अपन को पॉइंट्स मिले। ओके, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है थोड़ा हल्का, यहाँ स्ट्रेट है, धीरे से आ रहा, देखो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा कि स्केल से लाइन ज्वाइन करो, यहाँ पे कर्व आए, कर्व देख सकते हो धीरे से ये कर्व हो गया। अब ये सब स्ट्रेट नहीं है, हल्के हल्के कर्व रहेंगे, कोई स्केल से पकड़ के स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते, ये नीचे से लाओ ऐसे थोड़े कर्व रहेगा, यहाँ से आइए कर्व रहेगा और इसे यहाँ पे ऐसे नीचे से कर्व के साथ ज्वाइन कर, द सरफेस ये थोड़ा कर्व रहेगा, तो ये अपनी नीचे की जो जॉ लाइन रहती है वो ड्रॉ कर लिए। जो एक्स्ट्रा निकले जा रहे हैं इरेज कर लो, ठीक है। ये हल्का, या अगर सीधे हाथ से नहीं बने तो ये हल्का सा स्केच को उल्टा करो और धीरे से इसे कर्व करते करते ऐसे ज्वाइन कर लो, हल्का सा कर्व रहेगा, ठीक है, जैसे अपने उसमें रहता है।
और अपन ऊपर की तरफ देख लो जरा, थोड़ा सा ये फेस की आउटलाइन आ जाती है। यहाँ से एक कर्व आएगा, ये देख सकते हो, ये कर्व आएगा यहाँ से, यहाँ ऊपर की तरफ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये बालों वाला एरिया। और यहाँ से एक कर्व आएगा, 0.8 जो 0.8 है इधर से, इसको थोड़ा ज्वाइन करते हुए इसे नीचे की तरफ, बस यहाँ से फिर वो बालों वाला हिस्सा आएगा। इसे इस तरीके से बना देना लाइन नंबर 4 तक, ऐसे। ये अपने चेहरे की एक आउटलाइन होगी। अब अपन आईज नोज लिप्स बनाएंगे, ठीक है, तो पहले इतना बना लो, ओके, उसके बाद अपन चालू। अब लेफ्ट आई ड्रॉ करना है अपन को, तो लेफ्ट आई की टिप ढूंढो पहले, जो टिप दिख रही है ना अपन को स्टार्टिंग टिप, ये है लाइन नंबर 6 के कितने ऊपर, 1.4 सेंटीमीटर ऊपर और 0.9 सेंटीमीटर राइट। तो लाइन नंबर 6 के 1.4 सेंटीमीटर ऊपर और लाइन नंबर 3 के, तो 1.4 सेंटीमीटर ऊपर और 0.9 सेंटीमीटर ना, हाँ 0.9 सेंटीमीटर राइट, हाँ ठीक है। इस पॉइंट से निकल रही है वो ऊपर की तरफ, ये नीचे वाले पॉइंट से कितना है, नीचे वाले पॉइंट से है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.4, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं ऐसे उंगली रखी, ये इसने क्रॉस किया, तो देखो मैंने क्या बोला, या तो ऊपर वाला कर्व यही नीचे वाला, तो अपन ऊपर वाला लेते हैं, अंदर वाला दोबारा बना लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला लिया, इस लाइन से कितना ऊपर, 0.9 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर, नीचे आके इधर मिल जाएगी, जो एक्स्ट्रा पीछे की तरफ डार्क एरिया दिख रहा है वो आई लैशेस, ठीक है, देख सकते हो ये कितना डार्क जाएगा, कितना नीचे आ रहा है वो भी 0.9 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, यहाँ 0.9 मार्क किया मैंने, और ये भी कर्व हो गया यहीं पे। अब आते हैं वाइट वाले एरिया पे, जो अपनी आयरिस है, ये है ऊपर है 0.5, नीचे है 0.7, ऊपर है 0.5 और नीचे है 0.7, ठीक है। तो एंड में आके यहाँ पे मिलना है इन लोग को, तो ये अपन को पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स में अपन को क्या करना है, जो पीछे से कर्व आ रहा है इसे थोड़ा ऐसे फ्लैट सा कर दो, एकदम पॉइंटेड नहीं बनाना, यहाँ से कर्व किया, धीरे धीरे कर्व आया, आगे आया, इधर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब नीचे वाला कर्व है, नीचे वाला कर्व थोड़ा अलग है, देखो यहाँ से कर्व होते हुए आया यहाँ तक, ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा नीचे से आएगा, एकदम पॉइंटेड नहीं रखना कि यहाँ पे आके मिल रहा है, शेप गड़बड़ रहेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे आया, कितना नीचे आया, यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर नीचे, 0.5 सेंटीमीटर नीचे आया, फिर यहाँ से कर्व होना चालू हुआ, इसे नीचे की तरफ गया कर्व, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा और यहाँ पे उठ के थोड़ा इधर इस डायरेक्शन में आया, देख सकते हो डायरेक्शन, पहले नीचे गई फिर ऊपर आया, ओके। यहाँ पे जरा एक मिनट ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब लोग, टिप जो है यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ कर्व आया, यहाँ ऐसे, यहाँ से एक और कर्व आया आगे की तरफ, ये ज्वाइन हुआ, तो आंखों का आउटर शेप है। इस यही सेम चीज अपन अंदर जो आई वाला पार्ट है, ये तो आई लैशेस के साथ था, जब अपनी यहाँ डार्क कवरिंग दिख रही ना, ये यहाँ से आया, ये धीरे धीरे इधर आके ऐसे आगे की तरफ मिक्स कर देना ये, ठीक है, आगे की तरफ मिक्स कर दिया, नीचे आया ये इस तरीके से, और ये भी ऐसे मिक्स हो गया यहाँ, ओके। यहाँ पे अपन ने क्या है, यहाँ पे आंखों के बीच में हो रहा था ना पार्टीशन, टिप और आंखों के बीच में वो है बनाया कर्व सा, सिंपल सा इतना बना दो, ओके। फिर आयरिस देखो, आयरिस कितने लेफ्ट में है इससे, ये निकली 0.7 सेंटीमीटर लेफ्ट, 0.7 सेंटीमीटर लेफ्ट मैंने यहाँ ड्रॉ करा, कितने सेंटीमीटर राइट है, ये है 1.25 सेंटीमीटर राइट, 1.25 सेंटीमीटर ये मैंने यहाँ ड्रॉ करा। एक बार ध्यान रखना, ये आयरिस जो है फ्लैट, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं करना और बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व भी नहीं करना कि एकदम गोल सा बना, हल्का सा कर्व यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर एक हल्का सा कर्व यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर बीच में अपना आ गई अपनी पिंपल, ठीक है।
इतना ड्रॉ कर लो पहले। अब अपन को जो आंखों के ऊपर जो थोड़ी कवरिंग सी रही है ये ड्रॉ करते हैं। ये 1.1 सेंटीमीटर इधर से ऊपर, ये 1.7 यहाँ से, दो लाइनें जा रही हैं। दोनों में 1.1 मिलीमीटर का फर्क है, 1 या 2 का। ऊपर वाली लो तो ऊपर वाली में 1.7 और ये यहाँ पे 1। यहाँ से मैंने डिस्टेंस मार्क किया 1.1, ठीक है, ये आया 1.7 और ये आया 1। तो कैसे आया, यहाँ से यहाँ पे कर्व आएगा, एक थोड़ा फ्लैट हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर आगे की तरफ वापस कर्व हो गया। ठीक है, इसके नीचे एक और लाइनिंग आएगी ऐसे थोड़े से डिस्टेंस से, ये भी इसी के साथ चलेगी और ये यहाँ पे आके बैठ गई। ओके, ये करने के बाद ये थोड़ा और पीछे तक आएगी ऑब्वियसली। अब थोड़े क्या करना है, आई लैशेस जो है हल्के हल्के ड्रॉ करने से पीछे की तरफ जो जा रहे हैं, ये जा रहा है ना पीछे की तरफ, आई लैशेस जा रहे हैं थोड़े यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हल्के हल्के ड्रॉ करने बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ सारे कर लो, थोड़े थोड़े एक आइडिया लग जाना चाहिए यहाँ आई लैशेस पे। और अगर आई लैशेस अभी भी क्लियर नहीं हो तो एक रफ पेज पे आई लैशेस की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। पीछे जाते जाते देख सकते हो ये लंबे होते जा रहे हैं, इनके कर्व होते जा रहे हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, एक हल्के हल्के आई लैशेस बना लो थोड़े। नीचे वाले देख सकते हो यहाँ बीच में एक दो बड़े से हैं, इस तरीके से हल्के हल्के आई लैशेस ये बना लिए। इतना बना लो, इसके बाद अपन आईब्रो पे चलते हैं। अपन अब आई लैशेस बनाएंगे तो आई लैशेस में जो ऊपर का थोड़ा डार्क दिख रहा है ना, यहाँ से मेजरमेंट लो, जैसे 1 सेंटीमीटर है कहाँ से, इस लाइन से, हाँ यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ हल्का सा यहाँ पे आएगा, और ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो क्या करना है, इसे हल्की सी लाइन आनी चाहिए, कोई भी डार्क शेप ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि फिर कैमरे में दिखेगा नहीं। यहाँ से ऐसे कर्व आया थोड़ा, ये नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा फ्लैट हुआ और ये आगे की तरफ खत्म हो गया बस। ये आगे की तरफ एक हल्का सा कर्व शेप लेके आओ। ठीक है, ये जो नोज का दिख रहा है ना, नोज का जो वाइट एरिया दिख रहा है ना अपन को, अपन इसके हिसाब से चलेंगे क्योंकि अपने पास कोई एकदम परफेक्ट लाइनिंग नहीं है नोज की। तो यहाँ पे नोज बस ऐसे ज्वाइन कर दो, बहुत लाइटली ड्रॉ करना है ये। ठीक है, आईब्रो ऊपर का शेप अपन को भले ही थोड़ा दिख रहा है, ये क्या 0.6 सेंटीमीटर है, ये 0.8 सेंटीमीटर है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6 सेंटीमीटर लगाया यहाँ पे, कितना था ये 0.6 सेंटीमीटर ऊपर था और 0.8 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा ऐसे कर्व करते हुए ले गए ऊपर धीरे से। इस जो पॉइंट है उस पर अपन ने डायरेक्शन बदली, थोड़ा नीचे की तरफ आया, इस पॉइंट के क्लोज आया धीरे धीरे, और यहाँ आगे आके उसे ऐसे कर्व कर दो। ठीक है, आगे की तरफ ऐसे थोड़े बाल बना दो ऐसे। तो एक बात ध्यान रखना है, जो हल्के हल्के आगे की तरफ जा रहे हैं ना बाल, बिखरे हुए, ये बिखरे हुए लगने चाहिए। गलती क्या करोगे, सब एक डायरेक्शन, थोड़े एक आध दो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर ऐसे थोड़े अलग डायरेक्शन में आके जा रहे हैं, ऊपर ऊपर तक आने चाहिए, अपना मेन डायरेक्ट मेन इधर तक है, लेकिन थोड़े ऊपर ऊपर भाग रहे हैं, तो ऊपर ऊपर भागने वाले थोड़े अभी से थोड़े ड्रॉ कर लो ताकि शेप आ जाए, लुक आ जाए। और जो नीचे की तरफ आएंगे बाल, मेरा क्या कहना है, अभी नहीं ड्रॉ करने नीचे वाले, इस तरीके से नीचे की तरफ भी दो चार बाल थोड़े थोड़े में बनाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत लाइटली ड्रॉ करना, और अपन इसे ग्रिड एरिया बनाते समय इरेज कर लेंगे हल्का सा। ठीक है, क्योंकि ये वरना बहुत मोटे आईब्राउज हो जाएंगे अगर यहाँ से गलती से स्टार्ट कर दिया लोगों ने ड्रॉ करना। ठीक है, तो राइट आई को देखो जरा, अब राइट आई में ये कर्व ऐसे आ रहा, तो अपने आप ड्रॉ कर लो थोड़ा। ठीक है, ये हिस्सा थोड़ा ड्रॉ कर लो, तो मेरे साथ रहो। ठीक है, साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो। तो ये है लाइन नंबर 5 के नीचे और इसके आगे, तो कितना लाइन नंबर 6 के कितना ऊपर रहेगी इसकी टिप, 1.3 सेंटीमीटर ऊपर और 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट, 1.3 सेंटीमीटर ऊपर और 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट, 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट ये बनाया,
और 1.3 सेंटीमीटर ऊपर ये आ गया। यहां से ऐसे कर्व करा, ठीक है, और फिर ये जो है डार्क, मैंने जैसे बोला डार्क वाला पार्ट लो, तो ये है 1.3, तो ये रहा। तो ये कर्व ऐसे कर्व करके यहाँ पे आ गया, तो ये टिप बन गई अपनी। अब अपन एक एक को फॉलो करेंगे। तो ऊपर वाला है 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 एंड में, जैसा कि मैंने बोला यहाँ से खुद थोड़ा ड्रॉ कर लो, तो खुद ड्रॉ करने में मुझे दिख रहा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, खुद ड्रॉ कर लो, मेरे वाले शेप से कंपेयर कर लेना, ठीक है। फिर कितना नीचे है ये, तो ये आया 0.8 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। फिर ये कितना नीचे है, ये आया 0.3 सेंटीमीटर नीचे। जैसा कि मैंने बोला एंड में जाके इन्हें थोड़ा फ्लैट कर लेता। एंड कहाँ पे है, वाइट वाला एरिया तो यहीं पे एंड हो रहा है ऐसे, तो थोड़ा डार्क वाला एरिया है वो कहाँ पे होगा, वो ऐसे 0.7 सेंटीमीटर दूर नीचे होगा, मतलब थोड़ा सा राइट में यहाँ पे। तो कर्व कैसे होना चाहिए, थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर की तरफ उठा, ऐसे कर्व हुआ और कर्व हुआ, यहाँ फ्लैट रहा पीछे। टिप जो है आगे वाले लोअर कर्व जो है एकदम टिप से चालू नहीं होगा, देख सकते हो थोड़ा आगे गया, इस एंगल में कितना आगे गया, ये यहाँ तक 0.7 सेंटीमीटर आगे गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 0.7 सेंटीमीटर मार्क करा, यहाँ आगे गया, और यहाँ से धीरे से कर्व हुआ ये, ऐसे कर्व होते होते इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकला, ठीक है। अब इसकी अंदर में आउटलाइन भी बना देंगे अपन वैसे ही, थोड़े से डिस्टेंस के साथ एक आउटलाइन बना लेंगे इसकी, क्योंकि ये वाइट जो एरिया है अपना वो आएगा। फिर ये है, यहाँ पे आए अपन, ठीक है, यहाँ पे टिप रहेगी, तो टिप को एक कर्व के साथ थोड़ा सेपरेट सा कर लो, बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क मत ड्रॉ करो अभी से, कुछ गलती हुई तो फिर प्रॉब्लम होती चेंज होने में। लेफ्ट साइड है 1 सेंटीमीटर, राइट साइड है 0.9 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, ये 0.9 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया। तो आयरिस है अंदर की तरफ कर्व करते हुए बनाएंगे अपन इसे धीरे से, ओके, ऐसे धीरे से कर्व करते हुए। फिर जो प्यूपल है वो सेम लेवल पे रखना है, ऐसे थोड़ा एक दो ऊपर नीचे मत कर देना दोनों में, प्यूपल जो है दोनों में सेम लेवल पे होनी चाहिए। ओके, फिर ये जो ऊपर वाला कर्व है ये ड्रॉ करो, ये मेजरमेंट के साथ करना, जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही ना वो अपन बाद में करेंगे, वो शेडिंग का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे आया ये कर्व इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से आईलैशेस जो रहते हैं थोड़े से हल्के हल्के अभी से ड्रॉ कर लो। ये नहीं बोला कि एक बार में सारे, बस एक थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ आईलैशेस आएंगे अपने, थोड़े थोड़े नीचे कर लो, नीचे वाले सब कुछ जो है थोड़ा लाइटली करना, ताकि एकदम कुछ गलती हो जाए तो अपन बाद में उसे इरेज करके सही कर सकें। ये किया, इसके बाद आईब्रो भी सेम लेवल पे रहेगी अपनी, आईब्रो देखो साथ साथ देख ही लो अभी, ओके, एक साथ ही ड्रॉ करना होगा क्योंकि लेफ्ट आई आ गए तो राइट भी आसान है। ये चालू हो रहा है यहाँ से, तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है यहाँ से, ठीक है। मेन पार्ट ये डार्क वाला है, तो ये लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इस हर पे आ रही और यहाँ एंड कर रही है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से हल्का हल्का ड्रॉ किया, तो इसमें हल्का हल्का ले गए, धीरे से ऊपर लाए। इस पॉइंट से अपना कर्व है, और वो कर्व होके कहाँ पे आ रहा है, यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ अब अपन को ऊपर वाले के लिए मेजर करनी, तो यहाँ से ही निकलेगा कितना ऊपर, 0.5 और 1, तो यहाँ से आया 0.5 और ये आया 1, तो यहाँ से आया इस तरीके से धीरे धीरे आया, ओके, यहाँ से कर्व हुआ, अब
ये जो मैंने क्या बोला था, ये नोज का ये वाला कर्व लेंगे, तो यहाँ से धीरे धीरे आएगा। ये देख लो कर्व कितना है यहाँ पे, नियरली 0.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 0.7 ले लो। ऐसे धीरे से कर्व करते करते इसे यहाँ पे इस लाइन पे ज्वाइन कर लो ऐसे, फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे बिखरते हुए ऐसे बना लो, हल्के फुल्के बनाओ, मैं ही नहीं बोल रहा भर के बना लो, अभी से बनाने ज़रूरी। और ये अपनी दोनों आईज कंप्लीट हो जाती है। एक बात देखना ध्यान में, ऐसा ना हो कि आई प्यूपिल जो है एक लेफ्ट देख रही है एक राइट, दोनों सामने की तरफ देखते हुए लगनी चाहिए अपन को। ओके, तो अपना ये कंफर्म कर लेना बनाने के बाद। और ये जो आई लैशेज हैं उनको लगभग लगभग एक जैसा रखना, अगर ये कर्व होकर इतना आ रही है तो वो वाली भी उतनी आएगी। ठीक है, इतना करो ड्रॉ। अब नोज़ बनाना है अपन को, तो नोज़ अपन देखो, नोज़ की जो स्टेम है, मैंने क्या बोला था, ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसे अपन धीरे से लाना है यहाँ तक। कौन सी लाइन तक? 7 नंबर लाइन तक। इसे धीरे से स्ट्रेट लाना है,